नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। फ्रेंड एसएससी सीएचएल 19 मार्च सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीए के क्वेश्चन। तो फ्रेंड जीएसटी पूछा गया था, कौन से अमेंडमेंट में आया था? तो 122 अमेंडमेंट, ठीक है, 122, ठीक है, ये पूछा गया था जीएसटी से रिलेटेड। नाबार्ड पूछा गया था फ्रेंड, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। हु वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 हिंदी के लिए किसे मिला था? तो नंद किशोर आचार्य को मिला था। दूधसागर फॉल कहाँ स्थित है फ्रेंड? ये गोवा में स्थित है, ये पूछा गया था। दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पूछा गया था कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। रोवर कर पूछा गया था फ्रेंड्स, कब स्टार्ट हुआ था? 1891 में स्टार्ट हुआ था, ये फुटबॉल से संबंधित होता है। जीतू राय किस खेल से संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है, पूछा गया था। और फ्रेंड्स कुछ मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे इस टाइप के, ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि मैं सॉल्व करूं, लेकिन आपको दिखा सकता हूं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ए बाई बी इज इक्वल टू 3/2 ए प्लस बी दिया है, तो ए माइनस बी यहां से निकाल सकते हैं, 18 उसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अंकित मूल्य पूछा गया था, 900 रुपये, डिस्काउंट 20% है और 10% है, सेलिंग प्राइस पूछा गया था, तो इसका जो आंसर आया था 648 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 4 साल में अगर 5 गुना हो जाए तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा? तो 100% होगा। साइन एक्स पूछा गया था, इतना दिया गया है, कॉट एक्स गुणा 100x कितना होगा? तो 5/3 इसका आंसर होगा। 65 ऑब्जेक्ट का एवरेज 32 है, तो 5 ऑब्जेक्ट और लेते हैं तो एवरेज 34 हो जाता है, तो बताओ 5 ऑब्जेक्ट का एवरेज कितना होगा? तो फ्रेंड 60 इसका आंसर होगा, अगर आप करके आए होंगे तो। एक बोट एंड स्ट्रीम से आया था, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में 10 किलोमीटर दूरी को 1 घंटे में तय किया जाता है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर को 4 घंटे में तय किया जाता है, तो धारा की स्पीड कितनी है? तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। 7वां क्वेश्चन देख रहे, ये पूछा गया था इनमें से कौन सी संख्या में 7 और 11 से विभाजित होगी? ऑप्शन हमें नहीं पता, लेकिन ऑप्शन से 7 और 11 से एक ऐसी संख्या होगी जिससे डिवाइड हो रहा होगा 7 और 11 से। इंग्लिश की बात करें, एंटोनिम ऑफ मेडल का पूछा गया था फ्रेंड्स, तो इसका हम कह देंगे अवॉइड या माइंड वन का ऑन बिजनेस, ये पूछा गया था फ्रेंड इंग्लिश का क्वेश्चन। ईडीएम डाउन टू अर्थ पूछा गया था, तो फ्रेंड हम्बल कर देंगे इसका। ईडीएम पूछा गया था पुल योर सॉक्स टू इम्प्रूव समथिंग टू मेक एन एफर्ट, इसका मतलब होता है ईडीएम का ये पुल अप योर सॉक्स टू इम्प्रूव समथिंग टू मेक एन एफर्ट्स, ठीक है, ये इसका पूरा मीनिंग होता है ईडीएम्स का। एंटोनिम ऑफ सर्च पूछा गया था, तो फ्रेंड एंटोनिम होगा इसका डिक्रीज, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी पीटी की, ये धर्म से संबंधित होता है, PIETY। कोव का सिनोनिम पूछा गया था, इनलेट होता है, स्मॉल सेंटर होता है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर होगा वही आंसर होगा, ये कुछ सिनोनिम हमने दे दिए हैं। ही बॉट ए न्यू कार फॉर द जर्नी, इसे पैसिव वर्ब में चेंज करना था, तो जो ए न्यू कार वॉज बॉट बाय हिम फॉर जर्नी, ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। एब्रिविएशन एंटोनिम पूछा गया था, एक्सपेंड ट्रस्ट सिनोनिम पूछा गया था, तो फैथ होता है, तो ये अन्य तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में हमने आपको मैथ जीके और इंग्लिश के बारे में बताया कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल भी पसंद आया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि फ्रेंड जो भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।